हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गेट का सिलेबस कैसे मल्टीपल टाइम्स यानी कि 7-8 बार रिवाइज कर सकते हैं हम। ठीक है, आपने टॉपर्स की वीडियो देखी होंगी या मोस्टली टीचर्स भी आपको बोलते हैं कि नहीं, गेट का सिलेबस है पूरा, आपको 7 से 8 बार रिवाइज करना ही है। ठीक है, तो देखने में बहुत बड़ा नंबर लगता है 7 से 8 बार, 10 बार रिवाइज करना, बट उसका एक टेक्निक है। तो सबसे पहली बात तो समझनी होगी कि गेट का सिलेबस या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए पढ़ना और सेमेस्टर के लिए पढ़ना दोनों अलग अलग चीजें हैं। सेमेस्टर में हमें सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ना है और अगले दिन उसको भूल जाना पेपर के बाद। हमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, हम जीरो से फिर अगला सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे पढ़ना, पेपर दे देंगे, काम खत्म। बट गेट में वास्ट सिलेबस है, 10 सब्जेक्ट है, उसको रट तो देखो सकते ही नहीं है, उसको बार बार रिवाइज करके हमें चीजें समझनी पड़ेंगी क्योंकि 10 के 10 सब्जेक्ट हमें एक साथ आने चाहिए। और रिविजन जो है गेट में, रिविजन का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, नोट्स पढ़ते रहोगे उसको मतलब तो है नहीं, तो वो चीज है। तो रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस दोनों एक साथ मिलजुल के होंगे। तो रिवीजन के स्टेप देखो, सबसे पहले आप कब रिवीजन करोगे? सबसे पहली रिवीजन आपकी होगी जब आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे होगे, है ना। उस टाइम आप क्या कर सकते हो कि जैसे एक लेक्चर आज देख लिया, अगले दिन उस लेक्चर से पहले थोड़ा सा उसका नोट्स पढ़ लिए जो आपने नोट्स बनाए हैं आधा पौना घंटा लगा के, या वीकली कि एक वीक में जितना पढ़ा उसको रिवाइज कर लो। ठीक है, उस टाइम उसी क्लास में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रहे हो। ठीक है, एक बार आपका रिवीजन ऐसा हो जाएगा, आपको फुल नोट्स पढ़ने हैं। दूसरी बार जब आप सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा आपका, आपको रिवीजन करना है, फिर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। सपोज करो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना करने हैं, तब आप क्या करोगे? नोट्स उठाओगे, रिवीजन करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, एक बार रिवीजन और हो गई हमारी, और चीज है वर्कबुक, कोई और वर्कबुक मिल गई आपको क्वेश्चन वाली, तब आप रिवीजन करोगे। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस रिवाइज करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओगे, तब आपको अपनी असलियत भी पता चलनी स्टार्ट हो जाएगी। बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि सारे क्वेश्चन या तो आपको आते होंगे या सारे क्वेश्चन नहीं आते होंगे। कुछ क्वेश्चन आपको आते होंगे, बहुत इजिली सॉल्व हो जाएंगे, और कुछ क्वेश्चन थोड़ा एवरेज होंगे कि हाँ थोड़ा एफर्ट करना पड़ रहा है फिर हो रहे हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं होंगे। ठीक है, तो उसका आपको पता चल जाएगा कि इस सब्जेक्ट में, इस टॉपिक में मुझे आता है, कम आता है या बिल्कुल नहीं आता। तो वो चीज आपको फिल्टर आउट करते हुए जाना है, आपके दिमाग में रखना है, जहाँ कहीं लिख के रखो कि ये टॉपिक मुझे ध्यान देना है जब मैं अगली बार रिविजन करूंगा। तो प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हुए आपको ध्यान पता चल गया कि ये चीजों में दिक्कत है, तो अगली बार जब आप वर्कबुक के क्वेश्चन सोल्व करोगे, उससे पहले जब आप नोट्स रिवाइज करोगे, तब खास ध्यान रखो कि ये टॉपिक को मैं अच्छे से पढ़ लूं ताकि वर्कबुक सोल्व करते हुए मेरे को वो क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, फिर इसके बाद आपने सोच लिया कि जितनी भी प्रैक्टिस कर ली आपने, एनएफ आपके लिए कि प्रीवियस ईयर भी कर लिए, वर्कबुक भी कर लिए, काफी है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है टेस्ट सीरीज। टेस्ट भी अलग अलग तरीके से होते हैं, एक होता है पार्ट वाइज जिसमें एक सब्जेक्ट 2 या 3 हिस्सों में बांटा होगा, तब भी आप रिवीजन करके टेस्ट दोगे, और सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होते हैं वो आई थिंक 2 हो जाते हैं हर टेस्ट सीरीज में, कि डिजिटल के फुल सिलेबस फुल 2 हो गए, कंट्रोल के 2 हो गए। ठीक है, तो जब भी आप 2 दोगे, 2 बार और रिवीजन हो जाएगी, एक मिक्स सब्जेक्ट हो जाएगा और फुल लेंथ। ठीक है, तो इसमें से जो भी चीज हम करेंगे उससे पहले ऑब्वियसली हम रिवाइज तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, बट इसमें कैच क्या है कि हमें, जी मैंने कितनी बार बदल दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बार, बट क्या हम 8 के 8 बार हमारे जो फुल नोट्स हैं वो पढ़ेंगे? नहीं, क्योंकि जैसे जैसे हम इस तरीके जाते जाएंगे, जितनी चीजें हमें पढ़नी है वो कम होती जाएंगी। तो सपोज करो कि आपने जब सिलेबस कंप्लीट करो तब भी फुल नोट्स पढ़े, ठीक है, प्रीवियस ईयर कर रहे हैं तब भी फुल नोट्स पढ़ लिए, वर्कबुक करते हो फुल नोट्स, तो सपोज करो अभी आपने फुल नोट्स पढ़े, एक एक चीज पढ़ ली, तो जब आप ये चीजें सब कर लोगे तब आपको पता चल जाएगा कि भाई ये तो मुझे चीजें आती ही है, मैं पढ़ू ना पढ़ू। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल थेवनिन और नॉर्टन है, आपको एक बार उसका तरीका पता चल गया क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की, मुझे पहले VTH निकालना है फिर RTH निकालना है, तो बस काम खत्म, उसकी थ्योरी मुझे पढ़ने की जरूरत तो नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी जो आपको दोबारा नहीं पढ़नी है
सिर्फ आपको उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है बस, ताकि भूलो ना, ठीक है? तो उसी लिए जैसे आप लास्ट इस पे जाओगे, तब आप ओनली लिमिटेड चीजें पढ़ रहे होगे, ठीक है, जो टफ टॉपिक्स हैं थोड़े, ठीक है, या फिर शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे आपने, शॉर्ट नोट्स से पढ़ोगे, और या फिर फुल नोट्स में आपने हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है, वो हर किसी का अलग अलग तरीका होता है, तो कैसे भी कर सकते हो, ठीक है, या फिर कुछ हैंडबुक आ जाती है ना कोचिंग की, जिसमें सिर्फ फॉर्मूले लिखे होते हैं या फिर लिमिटेड चीजें लिखी होती है, ठीक है, तो बस ये ध्यान रखो कि जितना टाइम आपको यहाँ पे लगा था रिविजन करने में, इस सब्जेक्ट को पढ़ने में, जब आप बिल्कुल लास्ट एंड मोमेंट पे रिविजन कर रहे हो उतना टाइम नहीं लगेगा। बस आपका ये ध्यान होना चाहिए कि जब आप इस बार रिविजन करके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, तो लास्ट टाइम जो आपको टॉपिक में दिक्कत आई थी उसको आप ढंग से करो, और उस पर थोड़ा फोकस करो कि नहीं, मैं इस बार पहले से मुझे इम्प्रूवमेंट चाहिए, है ना, ऐसा नहीं है कि 100% एकदम आ जाएगा, धीरे धीरे करते करते आता रहेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप रिविजन की स्ट्रेटेजी रखोगे तो आप फुल लेंथ टेस्ट अच्छे से दे पाओगे, और फिर उसके बाद गेट का एग्जाम, ठीक है। तो आई होप कुछ क्लियर होगा रिविजन के बारे में, फिर भी कुछ डाउट हो तो कमेंट कर देना, एंड टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो फॉर गाइडेंस एंड डाउट सॉल्विंग, और मेरे नोट्स जो है लिंक ट्री पे अवेलेबल है, तो वहां से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।